Últimamente no entra charla, son comparecencias. Un pasito más para la indulgencia. Un abogado por si acaso y si el juez está de paso. कुछ ओपनिंग निकाल पाते तो शायद थोड़ा बेहतर वैल्यू वो निकाल सकते, बट हर्ष उनके पीछे है। सेंसी के ऊपर चार्जिंग करते हुए नजर आएंगे ब्लाइंड के खिलाड़ी, बट स्किप्स पर एक 1v2 और साथ साथ 1v2 नहीं बोलूंगा, एक्वानॉस का भी साथ है पीछे से। आइक्विसोल भी आ चुकी है इस थर्ड पार्टी का हिस्सा बनने के लिए, और लग तो रहा है रेवेनेंट जीत तो जरूर जाएगी, लेकिन फिर सर्वाइव करके ये मुझे नहीं पता अभी के लिए। और जी हां, तुरंत ही अब नॉकआउट की दरकार और रहने वाली, बट अगर टीम फॉरएवर नहीं नॉकआउट कर तो बात बन सकती थी। बट ये ओपी हो चुके हैं, लेकिन जैसे ही वो आगे गए एक नॉकआउट निकला तुरंत ही उनका भी एक कंफर्मेशन। धमाके जितने ज्यादा करेंगे उतने ज्यादा बैकफुट में आप जाने को भी धकेलते नजर आएंगे। जी हाँ, एक एक करके सबको सफाया करा जाएगा, आखिरी खिलाड़ी बचा है। लेकिन ड्रीम्स सतर्क रहिए, संभल के रहिए, क्योंकि वो नॉकआउट वो कंफर्मेशन के लिए जरूर आने वाला है। वो खिलाड़ी आपके ऊपर आप बढ़ सकते हैं एक एक करके, तो बिल्कुल भी एक खिलाड़ी को मत भेजिए। बट ये हाथ में ग्रेनेड बुक कर रहे हैं खिलाड़ी, क्या फिर से धमाका हुआ है लग तो रहा है, लेकिन बाल नेट पिन आउट करने से या फिर ड्रॉप करने से पहले नॉक कर दे तो शायद ये नॉक कंसिडर नहीं करना पड़ता। बट रैगुटन के सामने आए एश, उनका मूवमेंट जरूर से जरूर थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड था, बट उसके बावजूद नॉकआउट किए। एनकाउंटर ट्रेड आएगा निंजू की तरफ से, और रैंगुटन वर्सेस बोटाजी का ये फाइट बहुत इंपॉर्टेंट एक टर्न ले रहा है। ड्रिगर के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज, बट कंफर्मेशन आएगा कि नहीं वो देखने बाकी है। लेकिन K9 पड़ चुकी है पीछे, वापस से जाएगी। मुझे लग रहा है कि थर्ड पार्टी भी यहाँ पर चल रही है, जिसके चलते ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन नकुल क्यों? बिल्कुल, और ये जो 6 टीम्स है, मुझे लग रहा है कि आज के दिन में क्या पता इन्हीं का ही नाम कुछ ऑन डोमिनेशन में देखने को मिलता नजर आएगा। बट टीम तमिलनाडु 70% को चांस है उनकी तरफ, लेकिन हाँ टीम तमिलनाडु भी है तो दोनों 20 मीटर की दूरी उनको कहीं ना कहीं खेल सकते, बट से आगे बढ़ेंगे। और मुझे लग रहा है कि कमाल का, लेकिन मावी का स्मार्टनेस देखिए, जिस गाड़ी में वो आए थे उसी को धमाका करा। और क्या टीम कमाल की पारी खेल रहे हैं, बेशक मुझे लग रहा है यहाँ से बैकफुट पे तो चले जाएंगे, क्योंकि हर तरफ से उनको घेराव किया जाएगा। मावी #2 पर तो अपनी टीम को लेकर आ चुके, लेकिन जाते जितने भी फ्रैग निकाल रहे हैं काफी अच्छी कोशिश मावी के द्वारा। एक नाइस ट्राई तो जरूर स्पैम हो जाने चाहिए, और K9 के लिए तो गाइस ओपन द चैट तो बनता ही है। आपने मेंशन किया M24 का, उसके बाद AOG ट्राइफला लग रहा, आप देखें तो वहां पे नॉक कर दिए जाएंगे ओमेगा के तरफ से। एक फाइट प्रॉपर 4v4 स्टार्ट चोक किया जा रहा है, MJ आगे जा रहे हैं, क्या सोमराज को धर पाएंगे वो? जी हाँ धरेंगे, अभी तक धारा शायद आएंगे, लेकिन HP उनके पास देखिए बिल्कुल भी नहीं है, निकालना पड़ेगा उनको किसी भी तरीके से। आगे आते हैं और यहाँ पर MJ आके उनको समाप्त कशीर की जाएंगी। क्या गाड़ी चला पाएंगे नहीं, कैसे बच के निकल गए, मैं वही सोच रहा हूँ। फाइनली उनको नॉकआउट किया जाता है, लेकिन K9 सबका भी खड़ा नहीं, लेकिन पीपल 1v2 ओह माय गॉड बिली के तरफ यहाँ पे काफी अच्छे तरीके से जाते हुए देखने को मिला। किसी को डाउन करेंगे अगेन, ये 1v1 की बैटल यहाँ पे फंस जाएंगे। स्प्लिट है काफी ज्यादा, बैकअप यहाँ पे इतने अच्छे रूप में मिल पा नहीं रहा है, बट ट्राई करने के हीरो के हाथ में जो वेपन है उसके बारे में मिल पाएगा, अभी रुक चुका है पूरा ये स्प्रे किया, कनेक्शन मिलेगा काफी आसानी से वहां पे ज़ारगोट को टेक डाउन करने में कामयाब हो चुके हैं। आखिरी खिलाड़ी यहाँ पे जेलसन की तरफ से, आई थिंक वो अब रहने वाले हैं, उनको बचाना यहाँ पे पड़ेगा या फिर फाइट में जाएंगे, बहुत बड़ा सवाल जरूर है, लेकिन उनका बचना यहाँ पे आसान होगा नहीं। एक खिलाड़ी लेकिन जो इनके पास गन है उसके साथ ये जरूर से डेडली साबित हो सकते हैं, एक और खिलाड़ी को डाउन किए। नकुल की भी हालत वहां पे देखिए बहुत ज्यादा खराब हो लगा कि मौका बनेगा, बट जी नहीं, उन्हें वहां पे समाप्त कर दिया जाएगा। ओरैंगुटन का एलिमिनेशन नहीं हुआ के लिए सर्कल आया है, और टीम फाइवर जो इतने टाइम से शांत बैठी है, क्या फायदा मिलेगा? जी हाँ मिल सकता है जरूर, लेकिन आइकोसोल उनका डिसीजन है स्लैम इन, और ओरैंगुटन के खिलाड़ी को उन्होंने नॉकआउट तो किया है जरूर, लेकिन खतरा टला नहीं है। विज़ गॉड क्लच मास्टर यहाँ पर अभी भी सर्वाइव करते हुए कोशिश कर रहे हैं कि देखिए यहाँ पर सर्वाइव कर पाए। मॉली आया है, विज़ गॉड को केयरफुली यहाँ पर अपनी यूटिलिटीज को डालना पड़ेगा। निंजा जॉर्ड यहाँ इसी बीच में मान्या का फिनिश पॉइंट कलेक्ट करते हुए नजर आएंगे। आइकोसोल के लिए खतरा, स्मोक में ही स्प्रे रॉनी को किया गया नॉक, और एक कंफर्मेशन भी आएगा, और दूर से टीम तमिलनाडु फॉक्स कब तक
तक सरवाइव कर रहे थे वो यहाँ पर जा रहे हैं अपने टीमेट्स के साथ। रॉनी का भी वो कवर फायर आता हुआ देखने को मिल जाएगा। दो खिलाड़ी का ये बंधन क्या जा रहा है और लग रहा है कि इस पेगॉट को पता है कहाँ पर खिलाड़ी मौजूद है। नेड आएगा, जी हाँ, यहाँ पर स्पॉट को खत्म किए हुए हैं। उनको किसी भी तरीके से एक खिलाड़ी को तो नॉक करना ही पड़ेगा। और काउंटर घेराव जरूर बनाने की कोशिश थी गॉडजन की, लेकिन वो नाकामयाब होती हुई टीम फॉरएवर के लिए एक पास गेंद करवाई थी। जैसे देख लिया था कि देखिए ये नेट आ रहा है, अब नॉकआउट हो सकते जिम्मेदारी। क्लैश होता हुआ एक्सपार्क वर्सेस आइकू सोल का मैच विनर निकालती हुई टीम, एक कैजुअल्टी इंस्टेंटली निकाली जाएगी। और दूसरी तरफ स्प्रेगॉट को भी यहां पर देखिए दिक्कतें जरूर पहुंची थी और सारंग को भी डाउन किया जाएगा। लेकिन अकेले बचते हुए नजर आ रहे हैं। मैंटी को भी नॉकआउट करते हुए नजर आएंगे। अरमान वो आते हैं आगे, लेकिन क्या यहाँ पर खत्म कर पाएंगे वो? जी हाँ, एक खिलाड़ी को जरूर खत्म करते हुए नजर आए। अभी तो तैयार है क्योंकि आप देखिए सारे ही प्लेयर्स के जो एचपी है वो बहुत बेहतर है और यहाँ पे ब्लाइंड को चैलेंज रख सकते हैं। आदि चले K9 नहीं तो OG सही, ब्लाइंड के जायजे को नॉक करके फिनिश करते हुए नजर आए। और यहाँ पर होंगे नहीं, यहाँ पे जिस तरीके के प्लान के साथ आए एग्जीक्यूशन उतना ज्यादा बेहतर हुआ नहीं, थर्ड पार्टी भी हमें होता हुआ देखने को मिल रहा है। लेकिन टीम तमिलास भी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके, एक लौते खिलाड़ी रहेंगे मिस्टर आईजीएल और उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा। एक खिलाड़ी को स्पॉट किया जाएगा, नॉक भी जीत के अपने खिलाड़ी को रिवाइव से गेट खोलने का डिसीजन कनेक्शन मिलेगा। लेकिन अपोनेंट की तरफ से है ब्लाइंड, उनके लिए यहाँ पे बच पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। जी हाँ, बट फिलहाल के लिए तो यहाँ पर देखिए ब्लाइंड का भी है लेकिन उस पर कैपिटलाइज नहीं कर पा रहे हैं। टीम फॉरएवर माफिया अकेले बचे हुए, ओमेगा गए, उनको भी नॉकआउट किया गया है। सब कुछ आ जाता है MJ के ऊपर, फॉरएवर के साथ बहुत ही रिसेंटली जुड़े हैं, वो कैंसिल किया जाएगा। जूसी अकेले बचे हुए, मावी के ऊपर दूर से शॉट्स पड़ते हैं लेकिन अभी फंस चुके हैं। और देखिए यहाँ पर जूसी ने फायदा उठाया, नॉक किया, फिनिश तो जरूर। श्योर है कि बहुत ही नॉर्मल कॉल आउट चल रहे हैं ग्लोबली स्पोर्ट्स के, क्योंकि मावी अकेले आगे गए, डैमेज हुए, बैकअप के नाम पे कुछ भी नहीं था। और आपके आंखों के इन्वॉल्व है आईकू सोल भी, अगर आप देखें तो कुछ ग्रेनेड यहाँ पे कर रहे हैं। मान्या की तरफ से कुछ बेहतर कनेक्शन की उम्मीद रहेगी क्योंकि हैवी ड्राइविंग हमें देखने का मौका मिला है। लेकिन आईकू सोल फिलहाल के लिए इन्फर्नो स्क्वाड के लिए फाइट लेंगे, लेकिन इन्फर्नो स्क्वाड वो एक अलग मिजाज में है, वो एक अलग लहर के साथ चल रहे हैं। यहाँ पर रॉनी को खत्म भी किया आगे, लेकिन ओवेन उनको अभी भी डाउन नहीं किया गया। ये क्या चल रहा है मैं समझना चाहूंगा जरूर, लेकिन फाइनली हो सकता था वहाँ पे ज़ारगॉट के लिए हर कुछ हल्के फुल्के स्प्लैश डैमेज वहाँ पे पड़े, बट बीस को वहाँ पे टेक डाउन करने में कामयाब। लेकिन टप अटप उन्हें भी वहाँ पे टेक डाउन कर दिया जाएगा निंजा बॉय की तरफ। पोजीशन को डिवोटी के ऊपर भी देखिए गाड़ी चला गया है, लेकिन दूर से निंजू कवर देना चाहते थे उनको। मुझे लगता है कि मैंने शायद वो मिस कर दिया कि पावर फेयरली कुछ एचपी का कोटा तो भर चुका है, लेकिन क्या वो प्लेसमेंट मिलेगा? जी नहीं, यहां एंटिटी गेमिंग देखिए अनफॉर्चूनेटली फर्स्ट प्लेयर ट्राइंग टू बार फेयरली ब्रीथिंग फेयरली सर्वाइविंग डस नॉट मैटर। आता हुआ देखने को मिलेगा K9 को, कहीं जाने की जरूरत नहीं, उन्हें जाना है चिकन डेयर की तरफ और उसकी तैयारी हो चुकी है। एक्वानॉक्स आगे बढ़ने की कोशिश की, बहुत ज्यादा डैमेज एग्जैक्टली सेंस इसी चीज का वेट कर रहे थे, लेकिन जैसे ही वो ओपन में आए उन्हें डाउन किया जाएगा। K9 बढ़ चुके अपने दूसरे चिकन डिनर की तरफ, एक्वानॉक्स को चारों तरफ से घेरा जाएगा और एक बेहतरीन चिकन डिनर यहाँ पे उनके तरफ से निकाला गया। एक बार माहौल होगा जरूर, थोड़ा सा है क्योंकि पिछला मैच जो इतना बेहतर नहीं किया, बट एक्सपर्ट से उम्मीद है कि ऐसे निकाल के आएगा। जतिन वापस से नॉक हुए, ओवन की बीएचपी बहुत कम हो चुके हैं। लीजिए एक और नॉकआउट, दो नॉकआउट मिले हैं, बट ब्रायन जवाबी हमला वो करना चाहते हैं, फिनिश करने का भी कोशिश था, सरवाइव कर रहे हैं, आगे जाना ही पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन है नहीं। लेकिन निंजा बॉय सही वक्त पे क्राउच करते हैं, आगे बढ़ते हैं और वो फ्रैग सुनिश्चित करते हैं और ब्लाइंड ईस्पोर्ट्स अब इस फाइट का फायदा उठाने के लिए कोशिश कर रही है अभी के लिए। निंजा बॉय एक बेहतरीन नेड सीधा आदि को टेक डाउन करेगा, कम्स डाउन टू 3v2 पकड़ने की कोशिश रहेगी, बट निंजा बॉय को पता है थोड़े से वाकिफ रहेंगे, बट शॉट्स लगे हैं निंजा बॉय के ऊपर भी।
दोनों तरफ से ग्लोबल ईस्पोर्ट्स का पुश आएगा, फ्लाइंग की टोली संभल नहीं, लेकिन अभी भी ये तीन बैटल्स बहुत ज्यादा डिसाइडिंग रहेगी। लेकिन अभी के लिए डिसाइडिंग टीम बॉट आर्मी ये क्या कर रहे हैं, के ओपी भी फीड आउट हो रहे हैं। दूसरी तरफ से आइकू सोल के ऊपर K9 की टीम वापस से चार्ज करती हुई नजर आ रही है। इट्स नॉट अ ग्रेट साइट फॉर आइकू सोल, के पास भी वो ग्रेनेड्स हैं तो वो छारे आपके ऊपर भी लेके आ सकते हैं। बड़ी ग्रेनेड जी हां, अब जाएगा हीरो के ऊपर, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और उसको निभाएंगे भी। बॉट आर्मी अभी के लिए एक एक करके खिलाड़ी अभी भी गवाते हुए नजर आ रहे हैं। बट D9 जहां तक मुझे लग रहा है कि बॉट आर्मी और मल्टी टीम के साथ वो फाइट भिड़क होना उनके ऊपर हावी पड़ता नजर आया, लेकिन अभी के लिए बॉट आर्मी के ऊपर हावी पड़ने की कोशिश कर रही है गॉड्स ट्रेन। एक एक करके निंज के बाहर जाना पड़ेगा, दोनों तरफ कहीं से भी शॉट आ सकता है, बट शोगन नॉक हुए इससे पहले कि वो फिनिश कर पाए। बहुत ज्यादा डिस्कनेक्टेड मुझे नजर आ रहे WSB से, उनके लिए दिक्कत बन सकता है। बट OP के नेड्स ये आप कैसे रोक जाते हैं, क्योंकि एक अच्छा डिसीजन भी साबित हो सकता है। यहाँ पे पहला शॉट अरमान नॉकआउट निकालेंगे, बट उसका ट्रेड निकालने के लिए अनुत्सुक नहीं आ पाएंगे। हील कर रहे थे वो सर्किल कंपाउंड के अंदर रह के, बट रिवाइवल क्या वो होने देंगे, एक शॉट के आगे बढ़ते हैं रहेगा है ना। सीधा गॉड ट्रेन के ऊपर डेस्ट्रो के ऊपर स्लैमिंग किया है, बट उनको डेस्ट्रो को देखिए वो जाके सीधा गाड़ी के अंदर बैठ गए ताकि किसी को पता तक नहीं चले। डेस्ट्रो ने वो कमाल कर भी दिया है, सरप्राइज अटैक काम आया है बट डेस्ट्रो के ऊपर। दूसरी तरफ से तेज तेज सब कुछ आने वाला है, क्योंकि आइकू सोल वो अभी आ चुके हैं हंट गाड़ी का टेंशन और ये गाड़ी मुझे लगा कि ऑटोमेटिक कैसे चल रही है, बट दबाव की वजह से थोड़ा सा जो कवर था वो आगे की तरफ आ चुका है और एक्स पावर के ग्रेड मुझे तो लग रहा है कि डेफिनेटली अब ये आर्मी वो आगे बढ़ने की कोशिश करे, बट उसमें रोक लगाया जा रहा है क्योंकि सर्कल एडवांटेज आइकू सोल के पास है। दो खिलाड़ी गए हैं बाहर एंड ट्रिगर का पोजीशन भी रिवील हो चुका है, थोड़े बहुत शॉट्स लगेंगे एंड उसी के साथ साथ आइकू सोल ले जाएंगे ये विनर विनर चिकन डिनर। राइट एंगल से अगर देखा जाए कैबिनरी भी पहुंच जाएगी, बस ध्यान रखना जस्टिन के रूप में पूरा साउंड कट आउट करके बैठे हैं। सारन को अंदाजा है, बट वो अंदाजा क्या ही फायदा आएगा जब हाइट एडवांटेज पोजीशन एडवांटेज ड्रीम्स के सामने से रेवेनेंट के खिलाड़ी गुजर गए और उनको पता भी नहीं चले। तो 11 हो चुकी है, हर्ष मैं तो नहीं आया था यहाँ पर, लेकिन हर्ष अब बचना काफी मुश्किल रहेगा क्योंकि आपके ऊपर ना केवल माफिया, अगला एक मिनट काफी क्रूशियल रहेगा टीम्स के लिए। और अवेज क्या कर रहे हैं यहाँ पर, आती आईजल को ही एक और डाउन मुझे लग रहा है कि शायद देखिए हमने देखा था सेंसी को निकालते हुए, देखिए हमने देखा मुश्किल होगा जरूर अगर वहां पे आ जाते दूसरे खिलाड़ी, बट डेस्ट्रो के उस आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। जस्टिन रिवाइवल का क्या मौका मिलेगा, सीधा फिनिश करेंगे एक और नीड उनकी तरफ से भी आ रहा है, बट ग्राफिक एडवांटेज तो प्रो के पास है, बट वो प्री नेड सीधा मुंह पे जाके फटेगा। चलते हुए गाड़ी से नॉक निकाला है उन्होंने, वो भी S12 के से डैमेज देने की कोशिश। एक खिलाड़ी नॉकआउट होंगे भी, इस पावर नकुल सब नॉकआउट हुए हैं, मारिया को भी आप जोड़ लीजिए। बीस्ट क्या ये कैच कर पाएंगे, बहुत ही लो एचपी में सरवाइव कर रहे हैं। एक और शॉट, ये टास्क लेकिन कहां से WSB की तरफ से एक थर्ड पार्टी कनेक्शन, और मुझे लग रहा है कि एंड पे फ्री फायर करके जाना पड़ेगा। ग्रेट को हो जाएगा दूरी उनको प्राप्त नहीं मारती से नीज बोल दिया के उस रेंज में आती नजर आएगी स्प्रे गाड़ी। मान्य गए थे सेमी डाले की कोशिश, लेकिन कभी के लिए खुद के ऊपर वो मारी और मान ने निकाला वो नॉकआउट। अब रॉनी के ऊपर सबसे जिम्मेदारी है, धमाका अगर होगा तो रॉनी भी बाहर जा सकते बाहर का ना काफी मुश्किल। एक बुलेट और लगेगी शॉट आपका नॉकआउट हो जाएगा, हो नहीं से आप रोक लेंगे बट कंफर्मेशन कर निकाल दे तो और भी ज्यादा बेहतर हो जाएगा उनके लिए। एक एक क्रैक की बहुत ज्यादा वैल्यू है और विज शॉट भी शायद क्लच दैट ही वाज वेटिंग फॉर। वो नेट दोनों तरफ से एक्सचेंज किया गया है, बट उसका फटका ज्यादा पड़ेगा हीरो के ऊपर। आखिरी ये 1v1 का सिचुएशन आता है, रैंगटन बनाम जेनेसिस का ये आखिरी फाइट एश वर्सेस हीरो के बीच में। हील जरूर से कर लिया गया बट नेट डैमेज नहीं दिया इस बार। हीरो क्या ये कनेक्शन लेके आ सकता है, बच गए हैं वापस से, कोशिश अभी भी जारी है बट अब पुश करना पड़ेगा। वो आगे बढ़ेंगे, S12 के उनके हाथ में है, बट क्या ये क्लच हो सकता है, क्या जेनेसिस का पहला चिकन में
निकाल सकते हैं। जी नहीं, ओजी लेके जाएंगे ये विनर विनर चिकन डिनर। ये एक क्या ही मैच, क्या ही अंत। ताकि अपने ड्रॉप में जाना आसान हुआ नहीं, आज की बात करें तो एक फाइट में इन्वॉल्व है, कनेक्शन ढूंढना चाहेंगे, देखते हैं कि कनेक्शन कितना ज्यादा बेटर यहाँ पे मिल सकता है। बट फिलहाल कैप्टन, ये मैच बहुत इंटेंस हो रहा है क्योंकि आखिरी मुकाबले की बात की जाए तो फाइट बैक टू बैक हमें स्टार्टिंग है। कुछ कहीं मंडराते हुए यहाँ पर पहुंच चुके हैं, मुश्किलें रहेंगी, नेट डाला गया है जरूर, एक को थोड़ा सोच समझ के खेलना पड़ेगा, लेकिन और अपने नाम छोड़ ले, उनकी बहुत ज्यादा है तो उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। और देखिए प्री फायर लेके गए आगे, उनको कंफर्म बढ़ रहे ग्रेनेड का उपयोग करना क्या एक अच्छा ऑप्शन होने वाला है क्योंकि ज्यादा डिस्टेंस है नहीं। जी हाँ, बहुत ही अच्छा उपयोग किया गया। कनेक्शन की बात करें बिल्कुल ऑन पॉइंट, और स्लैम इन भी उसी वक्त यहाँ पे कर देंगे, ज्यादा टाइम लिया नहीं गया। पीपी वाइजन का इस्तेमाल किया जा रहा, हम जानते हैं इस वेपन के साथ चीजें कई बार बहुत आसान होते हैं, बट ये चतुराई से फाइट वो यहाँ पे रुकना नहीं चाहिए। मिड रेंज की भिड़ंत है और मिड रेंज की भिड़ंत में मिस्टर IGL ने कुछ अच्छी पारी वहां पे निकाली। एट द सेम टाइम टीम और एंगेटन भी आ जाएंगे WSB के अगेंस्ट, और आते ही दो खेल बोलने के लिए आई है और वो कोई और है। ओहो, इस पावर ये क्या कर रहे हो सर आप, तुमको नेट नहीं करना है, तुमको नेट करना है, तो करेंगे इस पावर नॉक आउट निकालेंगे तो जरूर। और यहां पर कंफर्मेशन के लिए भी जा रहे थे कि फिनिश पॉइंट छोड़ना नहीं चाहते। क्या हुआ ये जी, ये क्या करना चाहते थे समझ में नहीं आया, बट फिलहाल के लिए ड्रीम्स का सोच मुझे काफी बढ़िया लगा। देखिए गाड़ी में बैठे एक खिलाड़ी करते, अभी भी एक और खिलाड़ी बचे हुए, मिस्टर आई जी हो चुके हैं। देखिए बॉक्स वो भी नेट पुट कर रहे हैं, लेकिन आइडिया लगाना पड़ेगा। लेकिन ये मैंटी गाड़ी लेके चढ़ गए उनके ऊपर है वो, और टीम तमिलाज और ईपिट के बीच में वो सैंडविच हो सकते हैं। फिलहाल के लिए माना ब्लाइंड के ऊपर भी थोड़ा सा प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं, लेकिन नहीं रुक रहे, ब्लाइंड की पूरी टीम यहाँ पर खत्म हो सकती है। जोन के बाहर वो भी बहुत ज्यादा दिक्कतें हैं यहाँ पर ब्लाइंड को सर्वाइव करना। एंटिटी गेमिंग इसके बीच में भी बन रही, कुछ फायदा मिलेगा बट इसी बीच में IQSOL फिर से देखिए दिक्कतों में फंसते हुए यहाँ पर एंटिटी के गमला बॉय कले लॉक के ऊपर यहाँ पे कनेक्शन क्या यहाँ पे मिलेगा। जी हाँ, अगर बात करें बट उससे पहले एक नॉक निकाला गया, कंफर्म करना चाह रहे थे लेकिन आसान हुआ नहीं क्योंकि टीम IQSOL इंतजार में ही थे कि वो गलती की जाएगी, जान मूंछ के ओपन में